भगवान की भक्ति के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए भाई नाम जपिए, कथा सुनिए, संतों की सेवा करिए। और एक बहुत ही अच्छा उपाय है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति के प्राप्ति के लिए, वह है एकादशी का व्रत। और एकादशी में आपको कहा कि कुल 26 तरह की होती है एकादशी होती है, और सब एकादशी का जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा उसका फल भी है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि प्रभु आप बताइए, जो एकादशी आषाढ़ मास की जो एकादशी होती है कृष्ण पक्ष की, उस एकादशी का नाम क्या है, उसके बारे में आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन महाराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है योगिनी एकादशी। वह बहुत बड़े बड़े जो पातक हैं उनको समाप्त कर देती है। और कहा संसार में सब लोग जो है संसार सागर में डूबे हुए हैं, हम लोग भी संसार सागर में डूबे हुए हैं, निकलना चाहते हैं संसार से, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन संसार से निकलने के लिए संसारिक चीजों का ही उपयोग करते हैं जिससे और फंसते जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो संसार सागर से निकलना चाहता है उसको क्या क्या है, यह जो योगिनी एकादशी है एक नाव की तरह हो जाएगी, एक पानी के जहाज की तरह है जो समुद्र से इस पार से उस पार ले जाती है। यह योगिनी एकादशी संसार सागर से पार जाने के लिए एक बहुत बड़ी शिप है, पानी की जहाज है जो इस पार से उस पार ले जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अलकापुरी के जो राजा हैं उनका नाम है कुबेर, वो सदैव भगवान शंकर की पूजा करते हैं। कहा एक बार उनका एक नौकर था हेमामाली, उसका नाम था, जो सेवा करता था, और उसकी सेवा की जिम्मेदारी ये थी कि जब राजा कुबेर पूजन करने लगे तो वह फूल ला करके, फूल और पत्ते ला करके उनकी सेवा में देता था। लेकिन हेमामाली की जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, और हेमामाली जो बड़ा विलासी था वह अपने पत्नी के प्रेम में फंसा रहता था, और ऐसा कि वो कभी कभी जरूरत की सामान लाना भी भूल जाता था। कहा एक दिन की बात है हेमामाली गया फूल लाने, उसकी जिम्मेदारी लगी कि मानसरोवर में जाओ और वहां से फूल लाओ और उससे शंकर भगवान की पूजा होगी, ऐसा कुबेर ने उसे आदेश दिया। वो क्या किया, वो गया तो जरूर राजमहल से गया, अपने घर पहुंच गया, अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और अपनी पत्नी के प्रेम में फंस करके वो समय भूल गया। और इधर कुबेर बेचारे जो है बैठे हैं सवेरे से, का फूल आएगा तो पूजा होगी, फूल आएगा तो पूजा होगी। कुबेर दोपहर हो गई, 12 बज के पास हो गया, वो आया ही नहीं, समय व्यतीत हो गया, पूजा का समय खत्म हो गया। यक्षराज कुबेर जो है गुस्सा हो गए, क्रोधिता हो गए। कहा जरा एक काम करो, जरा खोजो तो सबको, नौकरों को बुलाया, कहा भेजो, भेजा, कहा खोजो तो ये हेमामाली कहाँ छिप गया, इसका पता लगाओ, ये फूल लेके नहीं आया और आज मैं शंकर भगवान की पूजा नहीं कर सका। जो यक्ष लोग थे, जो उसके नौकर थे, जो गण थे, वो कहने लगे राजन अरे वो तो अपनी पत्नी के प्रेम में फंसा है, अपने घर ही में रुका है, फूल तो लेने गया नहीं। उसकी बात सुनकर के कुबेर बहुत क्रोधित हुए और तुरंत हेमामाली को बुलाया, लोगों को भेजा घर पर, जाओ उसको बुला के लाओ। और देर हुई जान करके, अब देर तो हो ही गई थी, हेमामाली जो है डरने लगा, कांपने लगा, व्याकुल हो गया और जा करके डरते डरते जो है कुबेर के सामने खड़ा हुआ। और कुबेर ने उसे बहुत ही क्रोध भरी आंख से देखा, लाल लाल आंखें, कहा रे ओ पापी दुष्ट कहीं का,
मैं भगवान की पूजा के लिए बैठा रहा कि तुम फूल लाओगे, तुम फूल लाओगे, लेकिन तुम फूल लेकर के आया ही नहीं। तू तो बहुत दुराचारी है। तुम अपनी पत्नी के प्रेम में फंस करके घर ही पर बैठा रहा। जाओ, तुझे कोढ़ हो जाएगा और तू अपनी पत्नी से तेरा वियोग होगा। ऐसा श्राप दे दिया। ऐसा कहते ही हेमामाली नीचे गिर गया। उसके शरीर में कोढ़ हो गया और शरीर की पीड़ा से बहुत पीड़ित हुआ। लेकिन शंकर भगवान की पूजा में वह सहयोग करता था। वो एक पुण्य का काम है। भगवान की पूजा में सहयोग करना बहुत पुण्य का काम है। कभी कभी पूजा में जाइए तो लोग बैठे रहते हैं, आते तो है लेकिन बैठे रहते हैं, सहयोग नहीं करना चाहते। सहयोग करना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो हेमामाली जो फूल ला करके पूजा में सहयोग करता था, उससे उसको बहुत पुण्य मिला था। उस पुण्य के प्रभाव से वो कुछ भूला नहीं, सब कुछ याद रहा उसे। लेकिन अब वह इधर उधर भटकता रहता था, घूमता रहता था, और कभी इस पहाड़, कभी उस पहाड़, कभी यहां, कभी वहां। ऐसे घूमते घूमते एक दिन वो जो है मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा, उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। और वो कांप रहा था मार्कंडेय ऋषि के पास। उसको कांपते देख करके मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तुझे कोढ़ कैसे हो गया? तू कोढ़ कैसे से दब गया बीमारी से, और तुम इतना निंदनीय दिखाई पड़ते हो, तुम इतने दुखी दिखाई पड़ते हो। हेमामाली बोला कि प्रभो, मैं कुबेर का नौकर हूं, अनुचर हूं, मेरा नाम हेमामाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ला करके शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के प्रेम में फंस करके मैं घर ही में रह गया और फूल लाना भूल गया। राजा ने मुझे, कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। उस श्राप के फल से मैं अपनी पत्नी से बिछड़ गया और मुझे कोढ़ हो गया। कहा, महाराज अगर कोई अच्छा उपाय हो तो आप बताइए। मैंने कभी पुण्य किया था, उस पुण्य का फल है कि आपका दर्शन हुआ और आप संत है, आपका चित्त तो परोपकार में लगा रहता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं अपराधी हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप जो उपदेश करिए, मैं क्या करूं, इस दुख से कैसे छूटू। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देखो तुमने छिपाया नहीं, तुमने कुछ झूठ नहीं बोला। उसका फल है कि मैं तुम्हें बहुत ही कल्याणकारी और शुभ व्रत बताता हूं। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है, उस दिन तुम व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। तो योगिनी एकादशी के दिन जो व्रत करते हैं, उनके जो चर्म रोग होते हैं ना, चमड़े का रोग, वह समाप्त हो जाता है, इसलिए करना चाहिए। संत की बात सुनकर के हेमामाली उनको प्रणाम किया और उठा गया बड़े हर्ष से। योगिनी एकादशी का व्रत किया जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हुआ और अनुष्ठान करने से वह सुखी हो गया। और उन्होंने कहा, शास्त्र में भी लिखा कि जो लोग इस एकादशी, योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराता है, वह दोनों का पुण्य बराबर है, बराबर। तो इसलिए एकादशी का व्रत करिए। योगिनी एकादशी एक महान व्रत है, अवश्य करिए। आपका जीवन सुखमय होगा, भला होगा और भगवान की कृपा होगी। मंगल।